नमस्कार दोस्तों, मैं उपन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम लेकर आए एक बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों अभी तक क्या था, अभी तक कोई भी नया सर्वे नहीं हुआ करता था जिससे आपको नए नाम आपके जो आवास योजना में थे नहीं चढ़ते थे। बट अब सरकार ने ऐलान कर दिया है, पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और अब एक नया सर्वे होगा। मतलब कि वो जो पात्र व्यक्ति होंगे उनका सर्वे होगा और उनका भी पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट में नाम चढ़ाया जाएगा। तो आप कैसे चढ़वा सकते हैं अपना नाम, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ सर्वे कौन करेगा और सर्वे में क्या क्या कर किया जाता है, आप उसके लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, इस सारी डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप दोस्तों, मैं ये अगर टाइम निकल गया ना तो फिर से आप बार बार यही सोचेंगे कि मेरा पीएम आवास योजना में नाम कब आएगा, मुझे कब आवास मिलेगा। तो अगर आप आवास लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए उचित समय है। आपको थोड़ी सी सजगता करनी है जिससे आपको सारी डिटेल का मैं डिटेल पहले बता दे रहा हूं। और जब भी आपके गांव में सर्वेवर आएगा ना सर्वे करने, तब आपको अपने घर की स्थिति दिखानी है उस सर्वे वाले को और वो आपकी, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका नाम सर्वे में चढ़ा देगा और इसके बाद आपका आवास योजना की लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको आवास मिल जाएगा। तो इसी संबंध में इस वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको ए टू जेड जानकारी में देने वाला हूं। और सबसे पहले अगर आपने अभी हेल्प नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसमें आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो दोस्तों सर्वेवर, मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी कुछ चीजें दिखाऊंगा, पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि सर्वेवर कौन होता है। देखिए आवास योजना में सबसे पहले ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, मतलब आप खुद से फॉर्म तो नहीं भर सकते हैं। अब ऑप्शन क्या है, पर कैसे आवास योजना का लाभ मिलेगा? तो जैसे दोस्तों सरकार क्या होती है, एक सर्वेवर नियुक्त करती है। ये सर्वेवर आपका ग्राम सचिव हो सकता है, वीडियो हो सकता है या सह वीडियो हो सकता है, मतलब कि जो आपके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर होते हैं इन्हीं में से किसी को सर्वेवर बनाया जाता है। और ये आपके गाँव में आते हैं और आपके पूरे गांव में भ्रमण करते हैं और जो भी पात्र होता है, अब देखिए कि अगर सचिव की बात करें या वीडियो की बात करें तो ये आपके गांव में तो ये तो नहीं जानते कौन पात्र है, तो इसके लिए वो ग्राम प्रधान से कांटेक्ट करेगा। अब ग्राम प्रधान आपके गांव की वास्तविक स्थिति जानता है कि कौन लोग हमारे गाँव में आवास योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। वो उनके घर जो भी सर्वेवर आएगा, सचिव या वीडियो, वो ग्राम प्रधान लेकर जाएगा उनके घर पर और उनका सर्वे कराएगा। तो हम उनको दिखाएगा, देखिए इनके पास सर घर नहीं है, इनको आवास मिलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उन्हीं के माध्यम से जो वो उनको जिनको भी नियुक्त कर देंगे उन्हीं को आवास मिलेगा। तो और डिटेल हम पहले थोड़ी सी स्क्रीन पर ले लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पत्रिका.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे योजना 2024 का कार्य शीघ्र होगा शुरू। फ्रिज, मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए प्रतिमा वालों को भी मिलेगा आवास। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे योजना 2024 का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी को अध्यक्षता में एक बैठक कैंप कार्यालय में हुई। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक गाँव में रोस्टर के अनुसार अगले सप्ताह ग्रामीण सर्वे उन्मुखीकरण 2024 नाम से एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं मऊ, यहाँ पर दोस्तों मऊ जिले की बात हुई जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है, लेकिन अभी पूरे देश भर में दोस्तों ऐसी न्यूज आपको मिलेगी, पूरे देश भर में नया सर्वे होना है। तो यहाँ पर जो मऊ जिले में जो यहाँ के जिलाधिकारी थे, उन्होंने बैठक करके ये सारा डिटेल लिया है। तो कुल मिला के अगले, मतलब कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर माह में ये सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर जो पात्रता रखी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर पहले 13 मानकों के आधार पर आवास दिया जाता था, पर अब यह घटा कर केवल 10 कर दिया गया है। अब टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल धारकों को 15,000 रुपए प्रतिमा वेतन पाने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र समझा जाएगा। पहले यह मानक 10,000 रुपए था। इसके अतिरिक्त 2.5 एकड़ सिंचित तथा 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। जिलाधिकारी ने चयन में किसी भी तरह को गड़बड़ी पाए जाने का सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। यही न्यूज दोस्तों आप हिंदुस्तान पर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी सारा डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों देखा आपने, अब न्यूज़पेपर में आपने कहीं ना कहीं नाम सुना भी होगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कैसे आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो सर्वेवर मैंने बता दिया कौन होता है, अब आपको थोड़ा सा ग्राम प्रधान के टच में रहना है,
उनसे बोलना है कि जब भी सर्वे करने वाला कोई व्यक्ति आए तो आप हमारे घर पर जरूर विजिट कराएं और आप हमारी जो भी मतलब कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आप दिखाएं और हमें भी आवास योजना का लाभ दिलाएं। तो ग्राम प्रधान जब आज इस दिन सर्वे करने आएगा, आपको हो सकता है ना पता चल पाए, तो ग्राम प्रधान के यहाँ तो सबसे पहले आएगा ही बंदा, जो भी आएगा सर्वे करने वो ग्राम प्रधान से मिलेगा, तो वो आपके घर का सर्वे करा देगा और अगर पात्र होंगे तो आपका नाम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में चढ़ा दिया जाएगा और आपको आने वाले भविष्य में आवास योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, आपको थोड़ी सी सजगता रखनी है और जैसे सर्वेवर आए आपके यहाँ पर तो आपको सर्वे जरूर कराना है, अगर आप पात्र हैं तब वो नाम चढ़ाएगा और जब नाम चढ़ेगा ना तभी आपका आवास आएगा। यहाँ पर आप खुद से ऑनलाइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसका मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। तो हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं और अगर आपके यहाँ सर्वे स्टार्ट हो गया तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर मैं इस जिले में रहता हूँ, इस प्रदेश में रहता हूँ, हमारे यहाँ सर्वे स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।